हेलो बच्चों, आज हम आ गए हैं एक नए क्वेश्चन के साथ। तो चलिए बताते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। डिस्काउंट अलाउड 150 वाज रॉन्गली क्रेडिटेड टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। मतलब डिस्काउंट अलाउड हुआ है 150, मगर क्या हो गया है, डिस्काउंट रिसीव अकाउंट हो गया है। तो बच्चों का करेक्ट एंट्री क्या होगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, टू डेटर अकाउंट। बच्चों तो करेक्ट एंट्री क्या होगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, मगर यहां गलती क्या हो गया है कि डिस्काउंट रिसीव अकाउंट में क्रेडिट हो गया। तो मतलब यहां पे क्या हो गया, टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। तो बच्चों अब रेक्टिफाइड एंट्री क्या होगा, डिस्काउंट रिसीव तो गलत है तो उसको हम लोग को डेबिट करके कम करना पड़ेगा, डिस्काउंट अलाउड डेबिट ही होगा और अमाउंट का जो डिफरेंस आएगा वो सस्पेंस अकाउंट में जाएगा। तो क्या लिखेंगे, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट रिसीव अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। तो बच्चों जर्नल में क्या लिखोगे, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कितना, 150 रुपया, डिस्काउंट रिसीव अकाउंट डेबिट ₹150 और टू सस्पेंस अकाउंट होगा बच्चों ₹300। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि देखिए डिस्काउंट रिसीव तो गलत हुआ है तो अब हमें उसे सही करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा। ठीक, डिस्काउंट अलाउड तो डेबिट होगा जैसे इसको डेबिट ही किए, और अगर अकाउंट सॉरी बच्चों अमाउंट का जो डिफरेंस है वो कहाँ आएगा, सस्पेंस अकाउंट में आएगा।